आप इस वीडियो में जानेंगे आंखों से कचरा या धूल के कणों को निकालने के असरदार उपायों के बारे में। कभी कभी अचानक आपकी आंख में भी कूड़ा जरूर गया होगा, ऐसे में आंख में किरकिरा या दर्द सा महसूस होता है जिससे आंख को खोलना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में अगर आप आंखों को रगड़ते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आज हम आपको आंख से कचरा यानी कि कूड़ा और धूल के कणों को निकालने के आसान सी टिप्स बताने जा रहे हैं जो बेहद सरल होने के साथ साथ आपकी आंखों को सुरक्षित भी रखते हैं। आंखों से कचरा निकालने के उपाय इस प्रकार से हैं। अगर आपकी आंख में कूड़ा या धूल चली गई है तो ऐसे में मुंह में पानी भरें और एक गुब्बारे की तरह अपने मुंह को फुला लें। अब दोनों आंखों पर पीने वाले साफ पानी को हल्के हाथ से मारें। इस प्रक्रिया को 4 या 5 बार दोहराएं। इससे कचरा पानी के साथ आंखों से बाहर आ जाएगा। आंख से कचरा निकालने का दूसरा उपाय। आप आंख से कचरा निकालने के लिए किसी बड़े बर्तन में पानी भरें और उसमें आंखों को खोलकर डुबाने की कोशिश करें और पुतलियों को गोल गोल घुमाएं। इस प्रक्रिया को 5 या 6 बार दोहराएं। ऐसा करने से कूड़ा आंख से बाहर निकल जाता है। अगर आपकी आंख में बाल या धूल चली गई है तो ऐसे में आंख के निचले हिस्से को मोड़ते हुए आंख के अंदर की ओर घुमाएं, फिर वापस सामान्य हो जाएं। इससे आपकी आंख सही से खुल पाएगी। याद रखें, हाथ हमेशा साबुन से धुले होने चाहिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो में आगे आंखों से कचरा बाहर निकालने के और घरेलू उपाय बताए गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी और नई नई जानकारियां मिलती रहे। चलिए अब बात करते हैं विस्तार से। आंखों से कूड़ा निकालने का तीसरा उपाय। सबसे पहले सूती कपड़े को पानी में भिगो लें और आंखों के कोनों पर इसे रखकर दबाएं। बस इतना ध्यान रखें कि कॉर्निया को मसले नहीं, क्योंकि ये संवेदनशील होता है। ऐसा करने से इसे नुकसान पहुंच सकता है। सूती कपड़ा सफेद होगा तो आपको आंख में फंसा धूल का कण निकलने के बाद आसानी से दिख जाएगा। गुलाब जल का उपाय। आंख में जब कीड़ा चला जाए तो आप गुलाब जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी कीड़ा निकल जाता है। इसके लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा गुलाब जल लें और उसमें थोड़ी सी रुई को भिगो लें। उसके बाद इस रुई को आंख में डालकर धीरे धीरे से उस कीड़े को निकालने की कोशिश करें। इस तरह से भी आपकी आंख के अंदर गया हुआ कीड़ा आसानी से निकल जाएगा और गुलाब जल आपकी आंखों को भी ठंडक देगा जिसे आपको आराम मिलेगा। सोने के बाद भी निकल जाता है कीड़ा। कई बार ऐसा होता है कि दिन भर परेशान करने के बावजूद भी कीड़ा नहीं निकलता है, लेकिन अगर आप रात में सो जाते हैं तो भी आंख में पड़ा हुआ कीड़ा बाहर निकल जाता है। यदि आंख में कचरा चला गया है तो भूलकर भी ना करें ये काम। आंख से कूड़ा या कीचड़ को निकालने के लिए रुई या कॉटन बॉल्स का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे रुई के रेशे आंख में चिपके रह सकते हैं जो आपको आगे परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। अगर आपकी आंख में कूड़ा या धूल चला गया है जिसकी वजह से आपको देख पाने में दर्द या किरकिराहट महसूस हो रही है तो ऐसे में आंखों में गंदे या मैले हाथ लगाने से बचना चाहिए, इससे आपकी आंख में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। कभी भी आंख में कूड़ा निकालने के लिए किसी नुकीली चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे आपकी आंख को गहरा नुकसान हो सकता है और आपके रेटिना यानी कि आपकी पुतली पर भी चोट लग सकती है। अगर आपकी आंख में कोई कूड़ा या छोटा कीड़ा चला गया है तो ऐसे में कभी भी अपनी आंखों को जल्दी जल्दी झपकाना नहीं चाहिए, इससे कूड़े या कीड़ा अंदर जाने की आशंका बढ़ जाती है जिससे आंख में इन्फेक्शन फैल सकता है। और हाँ दोस्तों, यदि हमारे द्वारा बताए गए उपायों के द्वारा भी आपकी आंखों से कूड़ा या कचरा बाहर नहीं निकल रहा है और आपको दर्द भी महसूस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आंखें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं। आंखों में कचरा निकल जाने के बाद आपकी आंखों में कोई रड़क, लालपन या जलन रह सकती है, जिसे दूर करने के लिए आप डॉक्टरों द्वारा बताई गई आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप एक आंख से धुंधला दिखाई देने के कारणों व आंखों की रोशनी को बढ़ाने के उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के ऊपर आई बॉल के बटन तथा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसका लाभ उठाएंगे और साथ ही इसे अपने जरूरतमंद दोस्तों में शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।